नमस्कार, मैं हूं शकील खान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोनकच्छ से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सोनकर, जिन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के 38 साल के किले को आज अंततः भेद दिया है। यहां पर 25,400 से अधिक वोट से जो है यहां पर इन्होंने जीत हासिल की, हालांकि अधिकृत घोषणा होना अभी बाकी है। राजेश सोनकर जी, भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक में। 38 साल बनाम 3 महीने, किस रूप में देखते हैं इसे आप? 38 साल से जो छल कपट की राजनीति, धोखे की राजनीति सोनकच्छ विधानसभा में हुई थी, आज उससे निजात सोनकच्छ की मतदाताओं को मिला है। और ये 3 महीने जब से चुनाव की शुरुआत हुई थी, तब से ही सोनकच्छ का मतदाता ये चुनाव लड़ रहा था और पहले दिन से हमको आत्मविश्वास था कि निश्चित एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और छल कपट की राजनीति से अब इस क्षेत्र को निजात मिलेगी और आज अंततः वो दिन आ जाएगा। जीत का श्रेय किसे? इतनी बड़ी जीत, 25,000 से अधिक वोट से कद्दावर नेता से जीत हासिल करना। कहा ना कि सोनकच्छ के मतदाता ये चुनाव लड़ रहे थे, सोनकच्छ के मतदाताओं की ये जीत है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है, वरिष्ठ नेताओं की जीत है, हमारे बिरुला लटारिया जी यहाँ पे जिला पंचायत के अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे निरंजन जी जिला पंचायत के बाबर नगर जिले के उपाध्यक्ष खड़े हैं, हमारे मंडल जी राजेंद्र जी खड़े हैं, पूरी टीम ने पूरी समर्पणता के साथ हमने जिस प्रकार से एक एक प्लान के साथ हमने काम किया है, जो लोगों तक हम पहुँचे हैं और उन्हीं की रणनीति की जीत है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाया है, ये उसकी जीत है। बिल्कुल, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचा है। क्या मानते हैं, लाडली बहना गेम चेंजर साबित होगी? जैसा कि बताया जा रहा था, सरकार के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी पिछले 4-6 महीने पहले, लेकिन लाडली बहना का इसे इम्पैक्ट कहेंगे? प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। हमने समाज से कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो विकास के कार्य से, जनकल्याण की योजनाओं के लाभ लेने से अछूता हो। लाडली बहनों का तो आशीर्वाद हमको मिला ही है, और बुजुर्गों की भी जो सेवा हुई है, युवाओं की सेवा हुई है, नौ मतदाता हमारे भाई बहन जो पहली बार अपने मतदान का उपयोग करने निकले थे, उनका भी विश्वास हमको मिला। इस प्रकार से समाज के सर्व क्षेत्र का, हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है और उसमें लाडली बहनों का विशेष स्नेह रहा। सही, लाडली बहना का विशेष स्नेह रहा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि कांटे की टक्कर मेरी बहना ने तमाम कांटे हटा दिए रास्ते से। अब बात की जाए भाई साहब, सोनकच्छ आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में पिछड़ा हुआ है, क्या विजन है आपका इसे लेकर? 3 बड़ी प्राथमिकताएं हैं जो जीतने के बाद क्षेत्र में जाकर आप पूरी करेंगे। सीधे पहले दिन से हम इसी योजना के साथ में काम करेंगे। सोनकच्छ विधानसभा में तो पहले भी कहता आया हूँ, जब से मेरे को यहाँ पे पार्टी ने इस क्षेत्र के विकास की और जनता की सेवा का आदेश देकर भेजा है, यहाँ पर एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता है, क्योंकि सोनकच्छ जो है 2 महानगरों के मध्य का क्षेत्र है, जिस प्रकार का विकास ही होना चाहिए था, यहाँ बड़े कॉलेजेस होना चाहिए थे, कृषि कॉलेज होना चाहिए था, सेवा हॉस्पिटल होना चाहिए था, ये सब यहाँ पर नितांत आवश्यकता है इसकी। और हम इस सबको के लिए पहले दिन से सब काम करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में स्कूल हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, और क्षेत्र में जहाँ पर भी जिस भी प्रकार के विकास की आवश्यकता है, वो सब विकास हम तक पहुँचे। इंदौर से आकर एक बड़े लीडर के सामने चुनाव लड़ना, मानकर चल रहे थे कि 25,000 से ज़्यादा से जीतेंगे? पहले दिन में आत्मविश्वास था मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले और उत्साह के कारण। 17 अगस्त को जिस दिन मुझे पार्टी ने आदेश दिया था कि सोनकच्छ जाके चुनाव लड़ना है, पहले दिन ही सब समाचार सभी पत्रकार मित्रों से जो मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे सब पूछा था कि आप सोनकच्छ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। तब भी मैंने ये कहा था, याद है, कि 25,000 वोटों की मैंने उस समय घोषणा की थी कि हम 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे और आज 25,000 से अधिक वोटों से चुनाव यहाँ पर सभी मतदाताओं के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मित्रों के सहयोग से जीते। एक और हम सवाल है भाई साहब कि 39 प्रत्याशियों की जो पहली सूची थी भाजपा की, क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं बड़े लीडर जो है, कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, कई सांसद मैदान में उतारे गए थे, उसका भी असर इसमें दिखाई दिया चुनाव में? निश्चित ही चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए हर संभव जो योजना होती है, जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, बनाई जाती है, इस पर काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले जिस प्रकार से 39 सीटों की घोषणा की थी, उसकी अपनी स्ट्रेटजी थी, हमारी प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग पर पूरी तरह से सफल हुए हैं, उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेसी मित्रों को क्या संदेश? कांग्रेस के मित्रों ने जिस प्रकार से मैंने कहा कि 2018 में
एक झूठ और फरेब की राजनीति के कारण जो मध्य प्रदेश में 1.5 साल की सरकार बनाई थी उसी का परिणाम है कि ये जो परिणाम इस बार आया है ये उनको इस बात से मैं समझता हूँ सबक लेना चाहिए कि मतदाताओं से जो किए गए वादे हैं अगर हम उसको वादा को पूरा नहीं करेंगे तो इसी प्रकार के परिणाम आएंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी भी चुनाव हारने के बाद उनको जो सीधा सीधा स्वीकार करना चाहिए उनकी गलतियाँ कमियाँ और खामियों को उसके बजाय वो अभी से ईवीएम पर और सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से बाहर जाकर अपनी खुद की जो कमियाँ हैं उसको तलाशना चाहिए। जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनता को? निश्चित ही सोनकच्छ के मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। तो देखा और सुना आपने, ये थे सोनकच्छ से भाजपा की विजयी प्रत्याशी राजेश सोनकर, जिनका ये कहना था कि लाडली बहना अनिश्चित ही गेम चेंजर साबित हुई। साथ ही जो भाजपा की रणनीति थी पहली सूची में, जिस तरह से 39 बड़े चेहरे मैदान में उतारे गए थे, उसका एक बड़ा असर इस पूरे चुनाव में दिखा है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेसी मित्रों को यहाँ से एक संदेश दिया है कि इन चुनावी परिणामों से कांग्रेस सबक ले, झूठ और फरेब की राजनीति से बाज आए। शकील खान, एमपी तक, देवास और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।